शूटिंग शुरू हो जाती है, तो दर्शकों से कहना चाहेंगी देखने के लिए? हाँ, फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और पूरे जोर शोर के साथ हुई है, और दर्शकों को बस ये कहती हूँ कि एक दो महीने और इंतज़ार कीजिए, एक बहुत ही अच्छा टेस्ट उनको मिलने वाला है, आँखों के जरिए वो दिल में उतरने वाला है। म्यूज़िक की बात की जाए तो गाने कितने हैं और म्यूज़िक कितने? जहाँ गानों की बात आती है तो भोजपुरी के बहुत ही फेमस म्यूज़िक राइटर है, कंपोज़र है, जिनका नाम है विनय बिहारी जी, उनके गाने हर कोई जानता है, हर कोई गुनगुनाना चाहता है, वही हमारे हैं। और लगभग 7 से 8 गाने हैं, 7 गाने तो अभी तक हो चुके हैं, लेकिन एडिशनल शायद एक और गाना है। भारत में आपसे जानना चाहूँगी, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के लिए, कैसे आप ये फिल्म आपको कैसे मिली सबसे पहले, और पहले आपने और भी कुछ फिल्मों में काम किया या आपकी पहली फिल्म है? शुभम, सबको नमस्कार मेरा, और मैं हरियाणा से हूँ, रोहतक से। वहाँ भी भोजपुरी, अभी जैसा कि आप सब लोग कहते हैं कि भोजपुरी में वल्गैरिटी दिखाई जाती है, तो वहाँ पर भी अभी अच्छी पिक्चर्स बनने लगी है, ऐसा कुछ नहीं है, भोजपुरी में सिर्फ वल्गैरिटी बनती है। अब अच्छी पिक्चर्स को देखकर वहाँ पर जब भी हमें नाम सुनने को मिला और रज जी से कॉन्टैक्ट हुआ मेरा, मैं बेसिकली सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं भी अपना सोशल मीडिया पर अपना वीडियोज़ बनाता हूँ कुछ, जिसके थ्रू ब्रज जी से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ था, और उसके बाद फिर ऑडिशन हुआ एक छोटा सा और मैंने ब्रज जी ने फिर स्टार्ट किया। मैं कर रहा हूँ और अच्छे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट रात को याद करता हूँ और मैं कल अगले दिन फिर परफॉर्म कर रहा हूँ, अभी तो ऐसे ही चल रहा है। भोजपुरी में आज का ही डायलॉग बोल दिया, आज का डायलॉग था, माई बोलती है कि उसके लिए वो लड़की जो है मेन हीरोइन, वो तुम्हें बहुत पसंद है क्या भोजपुरी में? तो मैं बोलता हूँ कि मम्मा, जो मेरी माँ है उनको पता है, वो सिर्फ मेरे से मज़ा ले रही है, मुझे मजाक उड़ा रही है। तो उसमें मैं बोलता हूँ अच्छा, डायरेक्टर साहब के साथ काम करने का क्या? डायरेक्टर साहब के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, डे फर्स्ट है आज हमारा शूटिंग का, और काफ़ी अच्छा ब्रीफ करते हैं, अच्छा से समझाते हैं, और भोजपुरी मुझे बहुत हद तक वही सिखा रहे हैं और अच्छा चल रहा है अभी तक, तो मतलब मुझे भी मज़ा आ रहा है काम करने में। और जैसा कि आपको भी मालूम है, मेरा भी पहला पिक्चर है, और होप फॉर द बेस्ट, मैं अच्छा काम कर पाऊँ और अच्छा ही कॉन्टेंट बना पाऊँ। फिल्म की हीरोइन के बारे में क्या? फिल्म की हीरोइन जोया, जोया वेरी ब्यूटीफुल, जोया बहुत खूबसूरत है और अच्छा काम करती है, वो भी मुझे हेल्प कर रही है काफ़ी भोजपुरी सिखाने में। तो पहले आपने कोई भोजपुरी फिल्म देखी है इस फिल्म की शूटिंग के पहले, आपने कोई भोजपुरी देखा है कोई? मैं कोई भी भोजपुरी मूवी पूरी नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं भोजपुरी नहीं देखता था, अभी मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था इसके अंदर, तो मुझे मौका मिला तो मैं इसमें करने के लिए आया। भोजपुरी के बारे में जानते हैं कोई ऐसे हीरो जिसके बारे में आप जानते हो या? भारत चलो हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ट्विटर पे सबसे जो वीडियो बना के डालते हैं, उससे कितना टफ है फिल्म करना? फिल्म करना टफ है, उससे काफ़ी टफ है, क्योंकि वो जैसा कि प्रोडक्शन, वो मेरी प्रोडक्शन है, उसमें कैमरामैन मेरा है और मेरी स्क्रिप्ट है, मैं ही हीरो हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ, तो मुझे ईजी लगता है, वो मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है। पर ये अब किसी और की प्रोडक्शन में आप आए हो और कोई डायरेक्टर है जो आपको डायरेक्ट कर रहा है, और इसमें थोड़ा ये टफ है, उससे टफ। प्रोड्यूसर से कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? प्रोड्यूसर साहब ने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से, बिल्कुल मेरा स्टे भी काफ़ी से, मतलब जो भी एक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए अवेलेबल एक आर्टिस्ट को, वो बिल्कुल सब वो करवा रहे हैं अवेलेबल। जोया के साथ काम कर रहे हैं, कितना कम्फर्टेबल लग रहा है साथ काम करके? जोया के साथ बिल्कुल कम्फर्टेबल है और वो मुझे सही गाइड करती है, अच्छा जोया को भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है पहले से भोजपुरी में। भोजपुरी गाना कभी सुनते हैं? लगावे लूं जब लिपस्टिक, जैसे एक लाइन जरा बताएं। अच्छा, एक लाइन जरा गा के सुनाइए। मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं है, गाना गाओ। चले कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अच्छे नहीं, नाराज ना हो जाए दर्शक, नहीं नाराज है, जरा गा दीजिए। आज मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ वैसे तो, अब मैं थोड़ा सा क्या गाना गाऊँगा मैं? हाँ, एक लाइन जरा बताएं। बोलते हैं जैसे लगावे लूं जब लिपस्टिक, लॉलीपॉप लगे लूं, लगावे लूं जब लिपस्टिक, ले लाया रा डिस्टिक, जीला टोक लागे, समथिंग लाइक दैट ना, ऐसा। देखिए, इस बहाने हमको सिर्फ यूपी बिहार या वहीं के लोग नहीं,
जब हम अलग जो भोजपुरी नहीं जाते जानते हैं वो कलाकार जब इसमें आते हैं उनका जब इंटरेस्ट क्रिएट होता है तब हमको एक अलग मॉब भी मिलता है, एक बाहर के ऐसे लोग जिसे हम लोग कई बार देखते हैं ना कि साउथ इंडियन मूवीज जो भाषा नहीं जानते वो भी देखना चाहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि भोजपुरी जो भाषा है वो सिर्फ एक विशेष जगह में ही सीमित ना रहे, वो और ज़्यादा लोगों में प्रसिद्ध हो। जैसे हम लोग दूसरी भाषाओं को पसंद करते हैं वैसे भोजपुरी पिक्चर भी एक अच्छी नज़र से देखी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक मिले देखने वाली। फिल्म के डायरेक्टर ब्रजभूषण जी हैं, कैसा लगा उनके साथ काम करके आपको? कैसा लगा ये पूछने की बात है। एक्चुअली आप तंग तो नहीं करते कोई? नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में ये मेरी फर्स्ट मूवी है और यदि वो नहीं होते तो शायद हम प्रोडक्शन का सोचते भी नहीं, क्योंकि हमें तो कुछ भी जानकारी नहीं है ना, कुछ भी नॉलेज नहीं है। छोटी से छोटी चीज़ वो इतने अच्छे से बताते हैं, समझाते हैं और बस उन्हीं के ऊपर हमने पूरी पिक्चर की बागडोर उन्हीं को सौंप रखी है और उन्हें वही सब कुछ अरेंज कर रहे हैं। रिलीज का क्या प्लान है, कब तक रिलीज कर सकते हैं? फरवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक कोशिश कर रहे हैं, वैलेंटाइन डे पे प्रेमी जोड़ों को एक गिफ्ट मिल जाए इस पिक्चर के माध्यम से, कि सब साथ में मिलके पिक्चर देखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं फिल्म बनाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।